It was a beautiful morning listening to the live flutist in the hotel. और मेरी सुबह और भी खूबसूरत हो गई जब मैं गई जैसलमेर की फेमस गड़ीसार लेक देखने। I'm glad कि मैं सुबह-सुबह उठ के इस लेक को देखने के लिए यहाँ पर आई। It is so serene and beautiful out here. No wonder यार इस सिटी को जैसलमेर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पे जब सूरज की किरणें किसी भी मॉन्यूमेंट पे या किसी भी कंस्ट्रक्शन पे पड़ती हैं या इवन इस लेक पे पड़ रही है ना, सब कुछ ब्यूटीफुल और गोल्डन हो जाता है। यहाँ मैंने मछलियों को खाना खिलाया और इस लेक की ब्यूटी को थोड़ा और अप्रिशिएट किया और फिर मैं निकल गई 120 किलोमीटर लंबे सफर पर। पाकिस्तान बॉर्डर एंड दिस ड्राइव इज वेरी ब्यूटिफुल। रास्ते में मुझे कैटल्स मिल रहे हैं और मैंने लाइमस्टोन की जो माइंस होती हैं, जो वाइट स्टोन होता है, वो देखा। बाहर धूप थोड़ी ज़्यादा है इसलिए मैंने अपने लिए थोड़ा पर्दे का जुगाड़ कर लिया है। दो घंटे की ड्राइव के बाद मैं पहुंची तनोट माता के मंदिर। ये है तनोट माता का मंदिर और इस मंदिर की जो मान्यता है और जो खासियत है वो ये है कि जब इंडो पाक वॉर हुई थी तो जितने भी बॉम्ब्स इंडिया पर गिराए गए थे उनमें से एक भी यहाँ पे नहीं फटा। तनोट माता के इस मंदिर में इंडिया पाकिस्तान वॉर के बॉम्ब्स अभी भी डिस्प्ले पर हैं और इस मंदिर की देखरेख बीएसएफ ही करती है। मंदिर में दर्शन के बाद मैं निकली सबसे लोनली सफर पर। द लास्ट 20 किलोमीटर्स टू द इंडो पाक बॉर्डर, जहां जाने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। बॉर्डर एकदम डेजर्टेड है ये रोड और यहाँ पे सिर्फ या तो बीएसएफ के जवान जा सकते हैं या फिर इन लोगों को जाना आना अलाउड है। उसके अलावा हमारे बॉर्डर पे उस पार से कोई नहीं आ सकता, इस पार से उस पार भी कोई नहीं जा सकता। दैट्स व्हाई इतनी डेजर्टेड रोड मैंने तो इंडिया में कभी नहीं देखी है बॉस। वाओ, कुछ ही देर में मैं पहुंच गई इंडियन बीओपी यानी कि बॉर्डर आउटपोस्ट पे। फ्रेंड्स, इस वक्त जो ये हवाएं चल रही है ना, ये इंडियन बॉर्डर पर है, मैं सरहद पे हूँ। और अगर मैं आपको दिखा सकी, ऑफ़ कोर्स आई थिंक आई कैन, ये पीछे आप फेंसिंग देख रहे हैं, ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है। वो गेट दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, उसके 150 यार्ड्स बियॉन्ड पिलर पोस्ट हैं और वहाँ से पाकिस्तान की लिमिट शुरू हो जाती है। आई एम फीलिंग वेरी रिफ्लेक्टिव राइट नाउ बिकॉज मैं बॉर्डर पे फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बॉर्डर क्या है। इट्स जस्ट लाइक अ मैन मेड बाउंड्री, राइट? आई थिंक इट्स जस्ट अ पॉलिटिकल डिविजन। नेचर में तो कोई डिविजन होता ही नहीं है। जो लैंडस्केप हमें यहाँ इंडिया का दिख रहा है वही लैंडस्केप वहाँ पीछे पाकिस्तान का भी है। लेकिन सोचा जाए तो कितनी बड़ी बात है कि ये हमारा बॉर्डर है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी कंट्री को क्या क्या करना पड़ता है। ट्रूली कमेंडेबल। बीएसएफ के कैंप में ट्रेनिंग चल रही थी लेडी कमांडोज की। इन महिलाओं से बात करने के बाद और बीएसएफ जवानों को ड्यूटी पे देख, आई वॉज वंडरिंग दैट हाउ डू दे सर्वाइव दिस लोनलीनेस।
मुझे इस सवाल का जवाब मिला DIG अमित लोढ़ा जी से, जिनकी किताब बिहार डायरीज इज बिकमिंग अ बेस्ट सेलर और जिनके ऊपर अपेरेंटली फिल्म गंगा जल बनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ अस वर्क एज अ टीम। आप जब देखेंगे BSF की बॉर्डर आउटपोस्ट पे कैसे जवान रहते हैं, मीलों तक कोई आबादी नहीं, देयर इज नो पॉपुलेशन, देयर इज नो इनहैबिटेशन। सो द BSF जवान ट्रीट ऑल द अदर जवान एंड ऑफिसर्स एज देयर ओन एक्सटेंडेड फैमिली। ऑल द सेलिब्रेशंस ऑफ एनी मेजर इंपॉर्टेंट मेजर फेस्टिवल, वेदर इट इज ईद, दिवाली, यू नो, दे आर डन टुगेदर विद ऑल द जवान एंड द ऑफिसर्स। DIG सर की बात प्रूव की सुरेंद्र सिंह ने, जिन्हें आपने हाल ही में इंडियन आइडल पे देखा होगा। सुरेंद्र ने बांध दिया मेरे और अपने साथियों के लिए समा। A truly memorable day indeed, which left me even more respectful towards these jawans of our country.